आज सुबह रिम्पी बोल रही थी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं लाइफ में, और बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कृष्णमूर्ति हैं, जो अपनी लाइफ, उनकी लाइफ कितनी फोकस्ड होती है। और बहुत से ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग बहुत से लोगों से मिले हैं जो जॉब वॉब करने के बाद छोड़ छाड़ के इंडिया में आते हैं, कहीं आश्रमों में रहते हैं और स्पिरिचुअलिज्म को सीखने की कोशिश करते हैं, योग ध्यान वगैरह वगैरह। मैंने फिर कहीं पढ़ा है, तो मैं बता रहा था रिम्पी को कि डिस्ट्रैक्टेड किस चीज़ से हैं, कि क्या चाहते हैं। जो लोग भी ड्रिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो लोग भी ढेर सारा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और चीज़ कर रहे हैं जिसको हम डिस्ट्रैक्टेड मानते हैं, वो असल में लाइफ में कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कुछ हम खुद ही हैं, अपने आप को ही खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो नहीं खोज पाते किसी भी रीजन से, तो कुछ और मिल जाता है तो उससे कुछ दिन काम चला लेते हैं। जैसे कहीं धूप में जा रहे हैं तो कहीं पेड़ की छांव मिल गई तो वहीं रुक गए। अल्टीमेटली हर कोई अपने आप को ही खोज रहा है। कोई दारू में खोज रहा है, कोई पैसे में खोज रहा है, कोई कहीं खोज रहा है। और ये खोज कैसे आगे बढ़े, ये क्वेश्चन सही क्वेश्चन मेरे हिसाब से। अगर ये समझ में आ जाए कि हमारी खोज अल्टीमेटली, हाँ, खाना पीना ये सब खाना है, कपड़ा पहनना है, एक सेफ जगह रहना है, लेकिन इसको करते करते कैसे हमारी खोज और मजबूत होती जाए और स्ट्रांग होती जाए कि वो खोज अपने आप डेस्टिनेशन बन जाए, उसमें कृष्णमूर्ति बहुत हेल्पफुल होते हैं। आज एक बच्ची ने मुझसे बहुत दिनों बाद, बच्ची क्या है, शी इज यंग फीमेल, अराउंड 25 में होंगी, आईएएस की तैयारी कर रही थी, बहुत दिनों से नहीं क्लियर हो पाया या नहीं कर पाए, फिर फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन जैसे नॉर्मली जो स्कूलों में होता है, वो सब चीज़ों के बाद फिर वो फाउंडेशन में, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में नौकरी खोजने की कोशिश कर रही हैं। दोनों को मैंने कहा था हम लोग यहाँ स्कूल चालू करना चाहते हैं, अगर आपको, आप इंटरेस्टेड हो तो आइएगा। फिर मैंने उनको बताया कि हम लोग कृष्णमूर्ति की बुक्स के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से कृष्णमूर्ति की किताबें जिस तरह से जितने बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, जितने दिमागों तक पहुंचनी चाहिए, उतने लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। तो मैं जानना चाहता था उनके बारे में, और मैं पूछा था आप रहते कहाँ हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अचानक उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कहा कि आप मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में इतना क्यों जानना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन जब मैंने सुना तो मेरे मन में, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों इतना पूछ रहे हैं। मैं दो चार रीजन से पूछ रहा था उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि मैं पहली बार जब उनसे मिला था तो उनके पास अपनी खुद की कार है, खुद की कार मेरे पास बहुत टाइम तक नहीं थी, जब तक तो मैं जॉब कर रहा था तब तक भी नहीं थी, प्लस वो हवाई जहाज से ट्रैवल करती थी। तो मैं क्यूरियस था कि आप एक तरफ से नौकरी खोज रही है लड़की और उसको कार है उसके पास, ये चीज़ें मुझे कंफ्यूज कर रही थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्यों पूछ रहे हैं आप मेरे बारे में, जब आप पूछेंगे तो इमेज बनाएंगे आप। हम लोग कृष्णमूर्ति में बोलते हैं ना, किसी के बारे में कुछ पूछे तो इमेज बनते हैं, और इमेज बनाएंगे तो आप मुझे जज करेंगे। तो मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मैं इमेज बनाने के लिए पूछ रहा हूँ। तो थोड़ा टाइम लगा मुझे सोचने में कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ। जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो मेरा दिमाग एक तरह के इवेल्युएशन में जाना शुरू कर दिया, उसने मन को स्टडी करना शुरू किया। तब कुछ देर बाद ये जवाब आया कि मैं अपने एजम्पशंस को तोड़ने के लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ। किसी को कार में जाते हुए देखेंगे और जब आप उससे पूछेंगे कार आपकी है, तो बोलेगा हाँ, तो उस कार किसी की होने से ये एजम्पशन हो जाता है कि आदमी के पास रुपए पैसे हैं। तो ये एजम्पशन को तोड़ने के लिए मैं पूछ रहा था कि अगर आपके पास कार है तो आपकी रहना कैसे चलता है, खाना पीना कैसे चलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट देन आई थिंक शी डिडंट लाइक पर्सनल क्वेश्चन। तो उन्होंने मुझे कहा कि यू प्लीज डोंट बॉदर अबाउट माई पर्सनल लाइफ। मैंने कहा ये सवाल, ये जो वर्ड है ना बॉदर, थोड़ा हैवी वर्ड है। बोलते नहीं, हैवी वर्ड नहीं है, आप जितना लोड देना चाहें किसी वर्ड को उतना लोड है। मैंने देखा मुझे थोड़ा सा खराब लग गया था ये बात। मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो उसके लिए सॉरी। मैंने देखा मुझे खराब लग गया। फिर जब ये खराब लगा था
तो मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा था उस समय, फिर जब मैंने उसको देखना शुरू किया तो यही तो समझ में आया कि खराब लगना क्या है, मेरा उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। और फिर केवल मुझे उस बच्ची के लिए और उस जैसी ढेर सारी बच्ची के लिए, ढेर सारे लोगों के लिए केवल एक करुणा टाइप की आई कि उसको लगता है कि उसकी जिंदगी पर्सनल है। हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ पर्सनल है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम छुपाना चाहते हैं। सबकी जिंदगी में है, सीक्रेट्स हैं जो हम छुपाना भी चाहते हैं। और जब हम छुपाना चाहते हैं किसी से कोई चीज, ये नहीं कि बताएं, मैं खाली एक ये बोल रहा हूं, अगर हम किसी से कोई चीज छुपाना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत बार बहुत पहले छुपाना चाहता था, मेरे घर परिवार में बहुत से लोग बहुत कुछ छुपाते रहते हैं, जान पहचान में बहुत लोग छुपाते हैं। हम जब कोई चीज छुपाते हैं किसी से तो किस लिए छुपाते हैं? फैक्ट हमको परेशान नहीं करता, हमको क्या परेशान करता है? सामने वाले का रिस्पॉन्स, कि सामने वाला कैसे उसको लेगा। जैसे आप अभी बता रहे थे कि मैम ने आपके अच्छे नंबर पाने को अजीबोगरीब तरीके से लिया, विच यू नेवर वॉन्टेड हर टू टेक इट दैट वे, यू वॉन्टेड हर टू टेक सम अदर वे, जो सच्चाई नहीं थी। सच्चाई क्या है? जो थी वही सच्चाई है। जब हम किसी के रिस्पॉन्स को बदलने की कोशिश करते हैं, ये चाहते हैं कि वो बदले, ये अपने आप की भी, तो हम सच्चाई को बदल रहे हैं। और सच्चाई को एज इट इज जब तक नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जब तक नहीं देखना चाहेंगे, तब तक सच्चाई हमसे उजागर नहीं करेगी। ये सबके लिए लेक्चर नहीं है, ये खाली उनके लिए लेक्चर है जो कृष्णमूर्ति का या लाइफ का कोर समझना चाहते हैं। कोर समझते हैं? कोर, CORE, कोर, एकदम गहराई, जैसे धरती का सबसे सेंटर में जो पार्ट होता है उसको कोर बोलते हैं। जो अगर लाइफ की कोई चीज सबसे गहरी चीज है उसको हम लोग समझने की कोशिश जो कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ये बातचीत है, बाकियों के लिए नहीं। जब ये सब बात हो रही थी ना, तब तक से मुझे एक मरीज दिखाई दिया जो बहुत सीरियस था, उसके लिवर में हेपेटाइटिस था, गॉल ब्लैडर में कैंसर था और ढेर सारा पेट में पानी था। वो शायद महीना दो महीना, हो सकता है 6 साल भर बचता, उसके ऊपर मर जाता। फिर मैंने सवाल मेरे मन में उसको देख करके, वो फोन की बातचीत और ये पेशेंट को देख करके, मुझे लगा इस पेशेंट के लिए क्या सीक्रेट है, जो मर रहा है उसके लिए क्या सीक्रेट है? सबसे बड़ा सीक्रेट तो डेथ है, जो हम खोज ही नहीं पाते मरने से पहले। मेरी बहुत सी सीक्रेट होगी तो क्या होगी, मेरी कुछ गर्लफ्रेंड होंगी जिनके शायद साथ में शायद सो लिया हूं, या कहीं मैंने चोरी कर लिया होगा कुछ, और इससे बड़ा क्या सीक्रेट है? और सीक्रेट खाली ये दिखाता है कि मैं अभी भी जो मेरी लाइफ है उसको बहुत सीरियसली चीजों को ले रहा हूं। ऐसी चीजें जो मैं समझ भी नहीं पाया मैं क्यों कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने झूठ बोला किसी से, उसको छुपाना हमारा काम होता है ना, झूठ को छुपाते रहते हैं। तो हम क्यों झूठ बोल रहे हैं, इसको समझने के बजाय हम उस झूठ को बचाते रहते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि मोर इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग दैट माइंड विच इज टेलिंग द लाइज, देन द होल क्वेश्चन गेट्स चेंज्ड। क्वेश्चन ये है कि मैं हूं क्या, आशीष शुक्ला है क्या? ये बॉडी हटा दो, ये बॉडी तो दिख रही है साफ साफ, और तरीका क्या है इसको जानने का? कृष्णमूर्ति से फिर कल की बातचीत जो थी उसको आगे बढ़ाते हैं, मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। कल कृष्णमूर्ति से आदमी कहता है ना कि ठीक है मैं रुकता हूं यहां पर। कृष्णमूर्ति ने कल बताया था कि आसपास की जो भी चीजें रहती हैं, अवेयरनेस पूछा था उसने कि अवेयरनेस क्या है आपके हिसाब से। तो कृष्णमूर्ति ने बताया अलग अलग आयाम है, लेवल्स हैं अवेयरनेस के। सबसे सुपरफिशियल अवेयरनेस क्या है, जो भी आसपास हो रहा है उसको जानना, जैसे अभी गाड़ी की आवाज आ रही है, आसपास पंखा है, लाइट है, पेड़ है, पौधे, इन सबकी आभास होना अवेयरनेस है। इसमें कौन काम करता है? हमारी सेंसेस, 5 सेंसेस बोलते हैं। सेकेंड लेवल का जो अवेयरनेस हो क्या होता है, हमारा जो रिस्पॉन्स है इन चीजों के प्रति, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, उसके बारे में जानकारी। ऐसे आवाज आ रही है, ये मुझे पसंद नहीं आ रही आवाज, ये नापसंद इज अ रिस्पॉन्स, इसको जान पाना, ये सेकेंड लेवल का अवेयरनेस है। तो ये समझ गया है,
उसने रोक दिया कि मैं समझ गया अब आगे। क्वेश्चन अगले दिन आया, बोलता आई थिंक आई हैव रियली अंडरस्टूड नॉट वर्बली। वो बार बार यही बोले थे कृष्णमूर्ति, खाली शब्दों को मत समझो, इसके और गहराई में जाओ। वट यू सेड यस्टरडे, कल आपने जो बोला, देर इज द अवेयरनेस ऑफ द ट्री, आसपास की चीजों का अवेयरनेस है। देर इज द कंडीशनड रिस्पॉन्स टू द ट्री, कंडीशनड रिस्पॉन्स मतलब जो आपकी मैम ने किया वो कंडीशनड रिस्पॉन्स था, एक पर्टिकुलर चीज के लिए फिक्स्ड रिस्पॉन्स। कल वही आपकी मैम जो थी फोन में, बच्चों के प्रति जो पेरेंट्स का एक कंडीशन रिस्पॉन्स होता है, जैसे ही बच्चा कुछ गलती करता है तुरंत पेरेंट बोलते हैं ऐसा क्यों किया बिना सोचे समझे, तो कंडीशन रिस्पॉन्स है उसके लिए टू द ट्री, एंड द कंडीशन रिस्पॉन्स इज कॉन्फ्लिक्ट। और जहां पर आपने एक रेडीमेड रिस्पॉन्स दिया बिना सोचे समझे, सोचे समझे जानते हैं क्या होता है, पता है कैसे सोचते समझते हम लोग, शांत बैठ करके। मैं जब उस बच्ची से बात किया मैंने और मुझे हर्ट हुआ तो मैं चुप हो गया, मैं सोचने समझने लगा। सोचने समझने का मतलब चुपचाप वो डेंजल वॉशिंगटन की तरह देखते रहे, कुछ करने का मन करे तो भी चुप बैठे, हाथ में ऐसा वाइब्रेशन होगा करने के लिए, उठने का मन करेगा। कल जैसे मैम से मेरी बहस हुई थी तो तुरंत कुछ करने का मन किया, तो मैं सेंटर गया, सेंटर से पहले मैं दुकान में गया और जूते निकल चप्पल निकलवाए, फिर चप्पल नहीं खरीदा, मैंने कुछ किया। शांत बैठना इज सोचना समझना, बिना सोचे समझे। और वो कंडीशन रिस्पॉन्स कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज द एक्शन ऑफ मेमोरी। ये आता कहां से है बिना सोचे समझे कोई एक्शन, कहां से? मेमोरी से आता है, एंड पास एक्सपीरियंसेस, हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस से आता है। इट इज लाइक एंड डिसलाइक, और यही है लाइक और डिसलाइक। इट इज आवर प्रेजुडिस, ये हमारा घमंड है एक तरह का। I also understand that this response of prejudice is the birth of what we call the me or the censor. हमारे दिमाग ना हर चीज को चेक करता रहता है, कौन सी चीज हमारे हिसाब से है, कौन सी चीज हमारे हिसाब से नहीं है। एक फिल्म देखते हैं तो डिसाइड करते हैं ये अच्छी फिल्म है ये खराब फिल्म है, अच्छी मतलब मुझे पसंद है, खराब मतलब मुझे पसंद नहीं है। ये सेंसर है, सेंसर बोर्ड नहीं होता, ये मी है। आशीष शुक्ला, यहां पर इस घर में जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, ये शर्ट ये मेरे हिसाब से है, ये बाल मेरे हिसाब से है। आजकल मारिम भी बोलती है तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं आंशु, तुम्हारी प्रॉब्लम है वो, मेरे हिसाब से तो ठीक है। तो वो क्या है मी, क्या सेंसर। आई सी क्लियरली दैट द मी द आई एग्जिस्ट इन ऑल रिलेशनशिप, हर चीज के रिलेशनशिप में जो मैं चूज करता हूं, जो भी चीज पसंद करता हूं या नापसंद करता हूं, वही उसी से मेरा आई बनता है, मैं बनता हूं। Now, is there an I outside of relationship? क्या इसके अलावा भी मैं हूं कुछ, आसपास की चीजों से मैं एक सेल्फ बना जो चूज करता रहता है, अगर इन सबको हटा दो तो इनके बियॉन्ड भी मैं कुछ हूं? आपको क्या लगता है? आप लोग कृष्णमूर्ति बोलते हैं वी हैव सीन हाउ हेवनली कंडीशन आवर रिस्पॉन्सेज आर, हमारे रिस्पॉन्स कितने ज्यादा कंडीशन है हमने देखा। When you ask if there is a me outside of relationship, जब तुम्हें पूछते हो कि इन सब के अलावा भी कोई चीज है, मैं हूं कि नहीं, इट बिकम्स अ स्पेक्यूलेटिव क्वेश्चन एज लॉन्ग एज देर इज नो फ्रीडम फ्रॉम द कंडीशन रिस्पॉन्स। ये क्वेश्चन जब कोई पूछता है, एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता पर सवाल पूछ रहा है, तो ये स्पेक्यूलेशन हो जाता है। स्पेक्यूलेशन मतलब आप सच्चाई में इंटरेस्टेड नहीं है, केवल तुक्के लगा रहे हैं। यार अखिलेश यादव के पास कितना पैसा होगा, क्या उनका बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे आप? नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये स्पेक्यूलेशन लगा रहे हैं। भारत कितना रन बनाएगी इस साल, मतलब इस साल भारत जीतेगी कि नहीं जीतेगी वर्ल्ड कप में, ये स्पेक्यूलेशन है। बोलते हैं अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं केवल इसलिए जानने के लिए, क्यूरियोसिटी है, तो ये स्पेक्यूलेशन हो गया। जब तक आपका कंडीशन रिस्पॉन्स खत्म नहीं होता तभी तो आप जानोगे कि आप हो कि नहीं, मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप? डू यू सी दैट, क्या तुम देख पा रहे हो? सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट वेदर देर इज मी और नॉट आउटसाइड कंडीशन रिस्पॉन्स, बट रादर असली क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं हूं कि नहीं कुछ और, असली क्वेश्चन क्या है, कैन द माइंड, क्या वो दिमाग इन विच इज इंक्लूडेड ऑल आवर फीलिंग्स, उस दिमाग में जिसमें सारी हमारी फीलिंग्स हैं, बी फ्री ऑफ दिस कंडीशनिंग विच इज द पास्ट, क्या ये दिमाग पास्ट की कंडीशनिंग जो है अभी उससे फ्री हो सकता है? अगर फ्री हुआ
तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। द पास्ट इज द मी, क्योंकि जो पास्ट है मैं हूं क्या, बचपन में मम्मी ने मारा था वो मेमोरी है, कहां कहां गया था वो मेरी मेमोरी है, मैं जब इलाहाबाद जाता हूं तो मुझे बचपन की चीजें याद आ जाती हैं। आज सुबह सुबह एक गाना चालू हुआ, हमने सुबह सुबह यहां गाने में लगाया, उसमें था कोई गाना, खाली आवाज ही आ रही थी और अम्मा तुरंत पास में पहुंच गई, बोलती है नील कमल पिक्चर का गाना है, आ जा तुझको पुकार, ऐसे कुछ गाना था, बोलती इस पिक्चर में पता है भैया हम इसको पहली पिक्चर देखे थे हम जिंदगी की, इसमें जो है राजकुमार मीना को उसको अपनी उसकी मूर्ति बनाता है और राजा से बोलता है कि इनाम में मुझे आपकी बेटी चाहिए, और फिर राजा ने उसको जिंदा चुनवा दिया था दीवार में, हमको याद है ये पिक्चर, पास्ट में चली गई, शी इज बेसिकली हर पास्ट। देर इज नो मी इन द प्रेजेंट, इस समय इस मोमेंट में कोई मी होता नहीं है, एज लॉन्ग एज द माइंड इज ऑपरेटिंग इन द पास्ट देर इज द मी, जब तक हमारा दिमाग पास्ट में ऑपरेट करता है तभी तक मी होता है, एंड द माइंड इज द पास्ट, क्योंकि माइंड ही पास्ट है, द माइंड इज दिस मी, हमारा माइंड ही ये मैं है। यू कांट से देर इज द माइंड एंड देर इज द पास्ट, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये मेरा माइंड है और ये पास्ट है, वेदर इट इज द पास्ट ऑफ यू डेज अगो और 10,000 ईयर्स अगो, चाहे कुछ सालों का हो कुछ हजार सालों का हो, बस पास्ट ही होता है हमारा। सो वी आर आस्किंग कैन द माइंड फ्री इटसेल्फ फ्रॉम यस्टरडे, क्या आप अपनी उस टीचर के रिस्पॉन्स से, उस टीचर की एक्सपीरियंस से फ्री हो सकते हैं, क्वेश्चन ये है, क्या मैं अपनी मम्मी के मार से या अपने टीचर के डर से या किसी इम्तिहान के डर से, क्योंकि आप जो भविष्य के बारे में भी कल्पना कर रहे हैं वो भी पास्ट है, भविष्य तो अननोन है, लेकिन हम पास्ट से डरे तो हमने एक अननोन भविष्य में नोन डरावना फ्यूचर डाल दिया, पास्ट को प्रोजेक्ट कर दिया फ्यूचर में। नाउ देर आर सेवरल थिंग्स इन्वॉल्व, इसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व है, आरंट देर, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ सुपरफिशियल अवेयरनेस, सबसे पहले तो सुपरफिशियल अवेयरनेस है जो आसपास हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो आभास करते हैं, देन देर इज द रियलाइजेशन दैट द माइंड इज द पास्ट, उसके बाद ये आभास होता है कि हमारा माइंड पास्ट है, धीमे धीमे चलते हैं, ठीक है, हम लोग पास्ट नहीं, अब हमको मालूम पड़ा एक तो परसेप्शन है जो कान में आवाज आ रही है और एक हमारा माइंड है जो तुरंत जो है कुछ नहीं पास्ट है। द माइंड इज द कंडीशन रिस्पॉन्स, हमारा माइंड क्या है, कोई भी चीज को कंडीशन रिस्पॉन्स निकाल के लाता है। देन देर इज द क्वेश्चन वेदर द माइंड कैन फ्री इटसेल्फ ऑफ द पास्ट, अब हम एक नया क्वेश्चन ले आए इस चीज में, बाहर की आभास और हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स, अब हमने तीसरी चीज डाल दी इसमें, वो क्या, क्या पास्ट से हम खाली हो सकते हैं। देन देर इज अ क्वेश्चन वेदर द माइंड कैन फ्री इटसेल्फ ऑफ द पास्ट, क्या माइंड अपने आप को पास्ट से फ्री कर सकता है, एंड ऑल दिस इज इन वन यूनिटरी एक्शन ऑफ अवेयरनेस, और ये सब चीजें एक साथ चल रही है, पास्ट भी चल रहा है, परसेप्शन भी चल रहा है, और हम क्वेश्चन भी डाल रहे हैं, बिकॉज इन दिस देर इज नो कंक्लूजन, क्योंकि इसमें अभी कंक्लूजन कोई नहीं है, कि कंक्लूजन मतलब, हाँ सर हम कर सकते हैं सर, अपने आप को बिल्कुल कर सकते हैं, पास्ट से खाली कर सकते हैं, कैसे पता आपको, या नहीं सर इम्पॉसिबल है सर, आपके लिए पॉसिबल होगा, आप तो बहुत सालों से कर रहे हैं, हमारे लिए पॉसिबल, ये भी कंक्लूजन है, खाली क्वेश्चन है एक, कि क्या माइंड खुद को फ्री कर सकता है पास्ट से, साथ ही साथ पास्ट भी आ रहा है, अभी बोरिंग हुई पता है आपको, वहां पर कहां पे, हाँ बोरिंग पूरी हो गई आज, उसमें से पानी हमने निकाला, थोड़ा बालू वाला पानी आ रहा है, तो उसमें ना 100 फीट का गड्ढा हुआ है और 20 फीट का ऊपर एक हाथ वाला पंप लगा है, 20 फीट जो होगा वो पानी में होगा और वो चलता होगा तभी तो पानी खींचता होगा वो, तो जो खींचने वाला है दैट इज माई क्वेश्चन, कैन द माइंड बी फ्री ऑफ इट्स पास्ट, पानी इज द पास्ट, ठीक है, पानी है उसी में और बाकी जो है वो है मुझे क्या पता, सब कुछ एक साथ चल रहा है, ये सब चीजें यूनिटरी एक्शन ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज इन दिस देर इज नो कंक्लूजन, ये जान ध्यान रखिएगा भाई साहब, अगर कंक्लूजन बनाया, जैसे उस बच्ची के बारे में मैंने कंक्लूजन नहीं बनाया, मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत कह रही है, वो ऐसा नहीं कहना चाहिए, सीधे अगर गलत कह दिया इसका मतलब कंक्लूजन पे आ गए, मतलब दिमाग बंद हो गया, एक्सप्लोरेशन बंद हो गया,
जब मैंने होल्ड किया उस क्वेश्चन को, ये बच्ची ऐसा क्यों कर रही है, क्यों उसको खराब लगा जब मैंने उसको पर्सनल क्वेश्चन पूछा, अच्छा अच्छा वो छुपाना चाहती है, क्यों छुपाना चाहती है। फिर मेरे मन में आया कि आशीष तुम क्यों छुपाना चाहती हो, या रिम्पी कोई चीज क्यों छुपाना चाहती है, या शुक्ला जी क्यों छुपाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अपने बैंक का पासवर्ड छुपाना चाहता हूं ताकि कोई उसको निकाल ले। अच्छा ठीक है, मैं डरता हूं, मैं डरता क्यों हूं। जब सवाल 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 सवाल, नो कंक्लूजन, देयर इज नो कंक्लूजन इन दिस। When we say the mind is the past, this realization is not a verbal conclusion, but the actual perception of the fact. Sir कहते हैं कि mind past है, आपका mind past है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा अपने को। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं मुझे लगता है हाँ मैंने पढ़ा कृष्णमूर्ति को, मेरे लिए कृष्णमूर्ति fact है, कोई homework नहीं है कि अब सुन लिया, अब मैं होगा तो देखूंगा। आप के लिए सुनिए और जाके स्टडी करिए कि आपके मन में जो भी थॉट्स आते हैं वो नए आते हैं या पुराने ही आते हैं, इसको स्टडी करना पड़ेगा। When the mind is the past, this realization is not verbal conclusion. ये खाली दिमाग से मत सोचिए कि होगा, पता नहीं है कि नहीं है, शायद सर कह रहे हैं तो होगा, बट एन एक्चुअल परसेप्शन ऑफ द फैक्ट, असल में इसको फैक्ट को देख पाइए आप। The French have a word for such a perception of a fact. French जब भी किसी fact को देखते हैं तो उसके लिए खास word है। They call it as constatation. 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 Constatation बोलते हैं। Fact को देखना as it is. When we ask whether the mind can be free of the past, is this question being asked by the censor, the me, who is the very past? और इसी past, वो past पूछ रहा है क्या? कि क्या माइंड फ्री हो सकता है? ये थोड़ा एक लेवल और गहरे आए और इसमें बातचीत से नहीं चल पाएगा, मैं पढ़ूं और आप सुने चल नहीं पाएगा। माइंड पास्ट है कि नहीं हमारा? बाइक, ट्रक, मैम, स्कूल, कृष्णमूर्ति, जो भी चीजें मेरे मन में थॉट्स आ रही हैं या जो भी फीलिंग्स आ रही है, कुछ नया है उसमें? सब कुछ तो पुराना ही है। जो कान में आवाज आ रही वो नहीं है, जो आपने पानी पिया उसका स्वाद नया है, लेकिन पानी पीते ही अगर मन में ये आया अरे यार पानी ठंडा होता तो मजा आ जाता, ये जो था ये थॉट या फीलिंग ये पुराना था, ये पास्ट से आ रहा था। कहां से आ रहा था? आपने पिछले महीने पानी पिया होगा ठंडा, यहां पर वो इस पानी के स्वाद को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ये देख पाए रोज 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 बहुत बहुत बार देख पाए कि ये तो पास्ट है पास्ट है पास्ट है पास्ट है, और फिर सर ने कहा, या तो सर ने कहा कि ये पास्ट है, फिर सर ने कहा कि यार हो सकता है पास्ट से हम खाली हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं आ पाएगा आपके अंदर से, नहीं आएगा। कौन सा क्वेश्चन? क्या पास्ट से मन खाली हो सकता है? कौन पूछ रहा है? ये मेमोरी पूछ रही है या ये सवाल उठा है अंदर से? क्वेश्चनर पूछ रहा है कैन द माइंड बी फ्री ऑफ द पास्ट, क्या सही में माइंड पास्ट से फ्री हो सकता है? हु इज पुटिंग दैट क्वेश्चन, कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, कौन पूछ रहा है? ये पूछ तो वही आदमी होगा लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कौन पूछ रहा है। इज इट द एंटिटी हु इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेट मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस, इज इट ही हु इज आस्किंग, क्या ये वो बंदा पूछ रहा है जो ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट और परेशानियों से घिरा हुआ है, वो पूछ रहा है जो पास्ट है जो मेमोरी है? और ये ध्यान से सुनिएगा सेंटेंस, और Does the question arises of itself, out of the perception of the fact? मान लीजिए आपने गले में, अभी एग्जाम्पल नहीं देंगे ठीक है, आप जब देखते हैं कि ये पास्ट ही पास्ट है सब जगह पर, पास्ट से मैं घिरा हुआ हूं, तब क्वेश्चन आता है कि यार क्या इस झंझाल में से निकल सकता हूं मैं? क्वेश्चन अपने आप निकलता है। अगर किसी और ने बता दिया है पास्ट है तो क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं कि कौन पूछ रहा है, ये फैक्ट को देखने से क्वेश्चन निकल के आ रहा है या ऐसे पूछ लिया, ढेर सारे प्रॉब्लम है एक उसी में एक और सवाल पूछ लिया हमने। इफ इट इज द ऑब्जर्वर हु इज पुटिंग द क्वेश्चन देन ही इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द फैक्ट ऑफ हिमसेल्फ, अगर ऑब्जर्वर है जो देख रहा है ना मेरी बातें सुन रहा है वो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, इसका मतलब वो भाग रहा है।
पास्ट आ रहा है, पास्ट को समझना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, देख नहीं पा रहा है, झंझट है, तो आप उसने नया दरवाजा खोल करके, नया दरवाजा क्या है सर, क्या पास्ट से हम खाली हो सकते हैं? बिकॉज ही सेज, क्योंकि वो कह रहा है आई हैव लिव्ड सो लॉन्ग, सॉरी देन ही इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम हिमसेल्फ, बिकॉज ही सेज, क्योंकि वो कह रहा है आई हैव लिव्ड सो लॉन्ग इन पेन इन ट्रबल इन सोरो, आई शुड लाइक टू गो बियॉन्ड दिस कॉन्स्टेंट स्ट्रगल. हम इसलिए पूछ रहे हैं सवाल, वो आदमी इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मैं बहुत दुखी रह चुका हूं सर, बहुत परेशान रहे हूं, इतना दिनों से रहा हूं परेशान, और अब मुझे इस परेशानी में से निकलना है. इफ ही आस्क्स द क्वेश्चन फ्रॉम दैट मोटिव, अगर इस इच्छा से वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसको झंझट से निकलना है, मोटिव, हिज आंसर विल बी एज टेकिंग अ रेफ्यूजी इन सम एस्केप. अगर किसी मोटिव से तुम पूछ रहे हो कि काश इसमें से माइंड में से निकल जाऊं मैं, तो मैं आजादी एक्सपीरियंस कर लूं, काश डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड छोड़ के निकल जाऊं तो मुझे आराम हो जाए, एग्जाम का झंझट खत्म हो जाए, अगर किसी मोटिव से पूछ रहे हो तब केवल ये एस्केप है. वन ईदर टर्न्स अवे फ्रॉम द फैक्ट और वन फेसेस इट, या तो आप भाग जाओ किसी फैक्ट से, फैक्ट मतलब पास्ट जो है उसको देखो, या तो उसको उसमें से भाग जाओ, और फेस इट एंड द वर्ड एंड द सिंबल्स आर टर्निंग अवे फ्रॉम इट, और जब भी कोई शब्द ले आते हो आप वो फैक्ट से भागते हो. अभी पता है फैक्ट, हम लोग इतनी बार फैक्ट बोल चुके हैं. पेशेंट आते हैं बेचारे, दुखी और परेशान और बीमार और डरे हुए, किसी तरह से चाहते हैं हमको बचा लीजिए. क्वेश्चन आता ही नहीं कि बीमारी, बीमारी तो खैर दर्द होती है, तकलीफ होती है. लोग कहते हैं ट्रूथ, भगवान ट्रूथ, और जब भगवान के बारे में बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे कि भगवान मेरी परेशानी को सॉल्व करने वाला कोई जादूगर. जादूगर जानते क्या होता है? जादूगर जो ऐसे चमत्कार करे. उस ओ माय गॉड पिक्चर देख रहा था उस दिन, तो उस दिन कृष्ण भगवान का रोल किया ना अक्षय कुमार ने, उसने ऐसा हाथ से चुटकी बजाई तो लाइट ऑफ हो गई. शीश को बड़ा मजा आया, उसने भी कहा पापा देखो मैं भी जादू से, उसने चुटकी बजाई और लाइट ऑफ कर दी स्विच दबा करके. ये जो जादूगर भगवान, ये हमने एक एक सुंदर सी फोटो बनाई है भगवान की कहानियों में, कि सब कुछ ठीक कर देते हैं भगवान जादू से. सच्चाई क्या है हम नहीं जानते, और बड़ा बोर होते हैं सच्चाई के साथ, कब कैसे पलेगा कुछ पता नहीं. कृष्णमूर्ति बता रहे हैं या तो आप सच्चाई को देखो या तो आप भाग रहे हो. इन द फैक्ट, क्योंकि सच्चाई में जस्ट टू आस्क द क्वेश्चन एट ऑल इज ऑलरेडी एन एस्केप. अगर दिमाग में भी क्वेश्चन पूछ रहे हो वो एस्केप है. इज इट नॉट, क्या ये भागना नहीं है? लेट अस बी अवेयर वेदर दिस क्वेश्चन इज और इज नॉट एन एक्ट ऑफ एस्केप. ये जो क्वेश्चन निकला है तुम्हारे मन में आशीष, कि क्या पास्ट में से आजाद हुआ जा सकता है, ये क्वेश्चन एस्केप है या एस्केप नहीं है? अगर ये एस्केप होगा ना, एस्केप समझते हैं भागना. निकले थे बाहर कुछ काम करने के लिए, अब मौज मस्ती करने के लिए, तब तो बाहर प्रिंसिपल दिखाई दे गए तो बाथरूम में घुस गए, तो बाथरूम में सुसु करने नहीं गए, फादर से बचने के लिए गए, प्रिंसिपल से बचने के लिए गए. सुसु कहां से आएगी? वो तो आई नहीं थी. जब क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो उसका कहां हम पहुंचेंगे? क्वेश्चन मूव्स अस. इफ आई वांट टू, फिर मुझे बड़ी खुशी हुई आज जब मुझे उस बच्चे के बारे में सुना, समझ में आया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई. मैंने कुछ डिस्कवर किया अपने अंदर में. मुझे ये समझ में आया कि 24 साल पुरानी आशीष है वो, और मेरा जो हर्ट था वो पिघल गया. पिघलाया नहीं, मैंने समझाया नहीं अपने आप को कि छोड़ो यार, जाने दो, छोटी बच्ची है. पिघल गया. क्वेश्चन अपने आप आया या क्वेश्चन पूछ करके आप भाग रहे हो? लेट अस बी अवेयर वेदर द क्वेश्चन इज और इज नॉट एन एक्ट ऑफ एस्केप. ये देखो कि क्वेश्चन के जरिए आप भाग रहे हो या क्वेश्चन को लेकर के आप बैठे हो. इफ इट इज, इट इज अ नॉइज. अगर आप एस्केप कर रहे हो तो बकवास है, क्वेश्चन मन में आया, आवाज शोर है. इफ देर इज नो ऑब्जर्वर देन देर इज अ साइलेंस, अ कंप्लीट निगेशन ऑफ द होल पास्ट.
अगर कोई ऑब्जर्वर नहीं है तब ये क्वेश्चन अपने आप काम करेगा और पास्ट नेगेट हो जाता है। आज एक बड़ी अच्छी चीज हुई, हम लोग ये सब मैं पढ़ रहा था, इसको देख रहा था, फिर रिम्पी ने बोला कि यार पता है वो एक बच्चा है, एक लड़का है, तो उसके पापा मम्मी उसके लिए घर में महामृत्युंजय का पूजा पाठ कराना चाहते हैं। तो उसने कहा मैं नहीं जाना चाहता पूजा पाठ में। मैंने कहा तुम्हें क्या दिक्कत है, माँ बाप करना चाहते हैं, माँ बाप को करने दो, तुम उनके उनके खेल को क्यों बिगाड़ रहे हो, उनका खेल एक तरह से जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल होता है। बोलता नहीं सर अगर वो पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं, अगर पैसे नहीं लगते तो मैं जाता। मैंने कहा सच बताओ पैसे की वजह से नहीं जाना चाहते हो या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तुम्हारी भी श्रद्धा है, क्या पता महामृत्युंजय की जाप से कुछ बच जाए, मेरा फायदा हो ही जाए, या नहीं जाना चाहते तुमसे सर मैं नहीं जाना चाहता इस बकवास में। ये बातें मैं रिपी से कह रहा था, रिपी बोलती है मैंने भी कहा पूजा पाठ करना छोड़ दिया है, कभी कभार अगरबत्ती जलाती हूं। मैंने कहा अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, मतलब ये नहीं कि मत जलाओ, क्यों जलाते हैं अगरबत्ती हम, कभी क्वेश्चन उठा है हमारे मन में कि सचमुच में मंदिर में भगवान है कि नहीं है, और अगर मंदिर में नहीं है तो कहां है, क्या है भगवान, ये क्वेश्चन कभी उठा है। मैंने कहा रिपी मेरे मन में तो चलता रहता है ये चीज कि भगवान क्या चीज है, ये बार बार चलता रहता है। अगर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या माइंड पास्ट से आजाद हो सकता है, तब वो क्वेश्चन आपको आगे ले जाएगा। वो पूछ रहा है क्वेश्चनर, हियर आई एम लॉस्ट। अब आपने क्या बोला, उन्होंने कहा ना ऑब्जर्वर नहीं होगा देन द माइंड निगेट्स ऑफ द पास्ट, पास्ट से खाली हो जाता है। बोलता है यहां मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बोल रहे हैं। हाउ कैन आई वाइप अवे द पास्ट इन फ्यू सेकेंड्स, पूरे पास्ट को मैं कुछ सेकंड में कैसे खत्म कर दूं। लेट अस बियर इन माइंड दैट वी आर डिस्कसिंग अवेयरनेस। तुम भूल रहे हो शायद, याद रखो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं शुरू से, अवेयरनेस। वी आर टॉकिंग ओवर टूगेदर दिस क्वेश्चन ऑफ अवेयरनेस, हम जो बातचीत कर रहे हैं वो क्वेश्चन है अवेयरनेस के बारे में। देर इज द ट्री, पेड़ है, एंड द कंडीशन रिस्पॉन्स टू द ट्री, और ट्री के प्रति एक कंडीशन रिस्पॉन्स है, विच इज द मी, जो मैं हूं इन रिलेशनशिप टू द ट्री, ट्री के रिलेशनशिप में, द मी हु इज वेरी सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये जो मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं ट्री को यही कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब परेशानी। नाउ इज इट दिस मी हु इज आस्किंग द क्वेश्चन, अब ये जो परेशान आत्मा है क्या वो क्वेश्चन पूछ रहा है। दिस मी हु एज वी हैव सेड इज द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट, ये जो रिस्पॉन्स है ये कौन है, ये पास्ट का ही बना हुआ पुतला है। इफ द क्वेश्चन इज नॉट आस्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट, इफ द क्वेश्चन इज नॉट आस्ड बाई द मी, देन देर इज नो स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट। अगर ये सवाल शब्दों में नहीं आया है, जब ये समझ में आ जाता है ना कि यार मैं हूं क्या, पास्ट 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 पास्ट, तब पास्ट रह नहीं जाता, तब खाली खड़े होकर देखते रहते हैं, हमारे आसपास से चीजें निकलती रहती हैं, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। ये कह रहे हैं इफ द क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट, अगर पास्ट में से नहीं पूछा जा रहा है, इफ द क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड बाय मी देन देयर इज नो स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट, तब स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट है ही नहीं। When the structure is asking the question, it is operating on relationship to the fact of itself, it is frightened of itself and it acts to escape from itself. और लेकिन जब वो पास्ट में से ही सवाल पूछ रहे हो आप, तब तुम डर जाते हो, अरे इतने ढेर सारे थॉट्स। ये जो पूरी बातचीत है कृष्णमूर्ति की ना, असल में बातचीत नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है माइंड का, ये देखने का देखेंगे कृष्णमूर्ति सवाल नहीं पूछवा रहे हमसे, कृष्णमूर्ति असल में हमको लेके जा रहे हैं पीछे 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 पीछे, जहां पर सवाल है। अगर आप ये सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, देखिए उसने सवाल का एक होमवर्क बना दिया, क्वेश्चन ने क्या पूछा, मैं अपने पूरे पास को खत्म कैसे कर सकता हूं, पास को खत्म करना ही नहीं है,
खाली उस जगह जाके खड़े हो जाना है जहां पर ये सवाल है कि क्या मैं पास्ट हूं, क्या इसके अलावा कुछ और है, क्या माइंड पास्ट से फ्री हो सकता है। एक ऐसे कोने में जाके खड़े हो जाना है। बोलते हैं व्हेन द स्ट्रक्चर डज नॉट आस्क क्वेश्चन, जब ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन नहीं पूछता है देन इट इज नॉट एक्टिंग इन रिलेशनशिप टू इटसेल्फ। पता है हम बोर कैसे होते हैं, हम कोई चीज देखते हैं और जैसे ही हमको मालूम पड़ जाता है ये पुरानी है, ये तो हमको मालूम है अब आगे क्या होगा, तो हम बोर हो जाते हैं और फिर हम उन जो भी हमारे आसपास चीजें हैं उस पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसके लिए हमारा रिस्पॉन्स क्या होने वाला है। हम जानते हैं तो पकाएगा और हम सोएंगे और वो रिस्पॉन्स हमको पसंद नहीं आता। क्वेश्चन ये है क्या मैं पास्ट हूं या नहीं हूं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। टू फिर से रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, रिवाइंड कर रहे हैं फिर से कृष्णमूर्ति। टू रिकैप्चुलेट, देयर इज द ट्री, पेड़ है, देयर इज द वर्ड, द रिस्पॉन्स टू द ट्री, एक शब्द है, ट्री के प्रति रिस्पॉन्स है हमारा, विच इज द सेंसर और द मी विच कम्स फ्रॉम द पास्ट, एंड देन देयर इज द क्वेश्चन। पेड़, पेड़ क्या है, हमारा उस पेड़ के प्रति रिस्पॉन्स है। पेड़ नहीं है, पेड़ वर्ड थोड़ी पेड़ है, हमारा रिस्पॉन्स कम्स क्वेश्चन, कैन आई एस्केप फ्रॉम ऑल दिस टर्मोइल एंड एग्नी, क्या इन सब परेशानियों से मैं निकल सकता हूं। इफ द मी इज आस्किंग द क्वेश्चन इट इज परपेचुएटिंग इटसेल्फ, अगर ये सवाल पूछा क्या ये सब झंझट में से निकल सकता हूं, तो मैं परपेचुएट कर रहा हूं अपनी परेशानी को। परपेचुएट मतलब बढ़ावा देना, जैसे भागे वैसी परेशानी बढ़ी। नाउ बीइंग अवेयर ऑफ दैट, ये सब जानने के बाद इट डजंट आस्क द क्वेश्चन, अब दिमाग जानता है अगर भागूंगा तो कोई परेशानी बढ़ेगी, तो क्वेश्चन ही पूछता है वो। इट डजंट आस्क द क्वेश्चन, बीइंग अवेयर एंड सीइंग ऑल द इम्प्लीकेशन ऑफ इट, इन सब चीजों को समझते हुए द क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क, क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। इट डज नॉट आस्क द क्वेश्चन एट ऑल बिकॉज इट सीज द ट्रैप, ट्रैप ट्रैप माने जाल है ये, अगर क्वेश्चन पूछा तो और फंसा, और ये मेमोरी है, और सवाल पूछा तो और फंसा, इन सब ट्रैप को। नाउ डू यू सी दैट ऑल दिस अवेयरनेस इज सुपरफिशियल, आप देख पा रहे हैं ये सब अवेयरनेस केवल सुपरफिशियल है। इज इट इज द ने इट इज द सेम एज द अवेयरनेस विच सीज द ट्री, ये वही अवेयरनेस है जो ट्री को देखती है। क्वेश्चनर बेचारा फिर पीछे आगे बोलता है, इज देयर एनी अदर काइंड ऑफ अवेयरनेस, इज देयर एनी अदर डायमेंशन टू अवेयरनेस, कोई और टाइप का भी अवेयरनेस है क्या। कृष्णमूर्ति बोलते हैं अगेन लेट्स बी केयरफुल, बहुत ध्यान से, लेट्स बी वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन विथ एनी मोटिव, कुछ चाहते तो नहीं है ना सवाल को पूछा, तो कोई और अवेयरनेस होगा तो मैं वो लेना चाहूंगा या जानना उसको मैं पाना चाहूंगा, कोई मोटिव तो नहीं है। इफ देयर इज अ मोटिव वी आर बैक टू द ट्रैप ऑफ कंडीशन्ड रिस्पॉन्स, अगर कोई मोटिव हुआ तो हम फिर से कंडीशन रिस्पॉन्स में फंस जाएंगे। व्हेन द ऑब्जर्वर इज होली साइलेंट नॉट मेड साइलेंट, जब ऑब्जर्वर चुप चुप रहता है, साइलेंट रहता है, जब इसे साइलेंट नहीं करता अपने आप को, देयर इज श्योरली अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ अवेयरनेस कमिंग फ्रॉम इन कमिंग इन टू बींग, अवेयरनेस कमिंग इन टू बींग, जब साइलेंट होता है दिमाग, जबरदस्ती नहीं साइलेंट कराया गया होता, साइलेंट होता है तब एक नया टाइप का अवेयरनेस आता है। What questioner पूछ रहा है, what action could there possibly be in any circumstance without the observer, what question or what action? सुकरात के बारे में कहते हैं और बहुत से लोगों के बारे में कहते हैं कि वो लोग खड़े रहते थे, ऐसे बैठे रहते थे और देखते थे, thoughts को देखते थे, thoughts को रूप बदलते हुए देखते थे, चेंज होते हुए देखते थे, अंदर क्या चल रहा है, जैसे हम कोई बाहर फिल्म देखते हैं वो अंदर थॉट्स को देखते थे, फीलिंग्स को देखते रहते थे। ये कह रहा है व्हाट एक्शन कुड देयर बी देयर पॉसिबली बी इन एनी सर्कमस्टांसेस विदाउट द ऑब्जर्वर, व्हाट क्वेश्चन और व्हाट एक्शन, जब नहीं होता ऑब्जर्वर, जब पास नहीं होता तब एक्शन क्या निकल के आता है, तब क्या करता है आदमी, क्या होता है उस समय,
अगेन आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड ऑफ द रिवर और इज इट फ्रॉम द अदर बैंक? कहां से पूछ रहे हो तुम? परेशान होकर पूछ रहे हो या ये क्वेश्चन आ रहा है अपने मन में? इफ यू आर ऑन द अदर बैंक यू विल नॉट आस्क द क्वेश्चन. अगर उस बैंक में हो जहां कहां पर, जहां पर पास्ट है ही नहीं, तुम कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे. इफ यू आर ऑन दैट बैंक योर क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दैट बैंक. सो देर इज एन अवेयरनेस ऑफ दिस बैंक विथ ऑल इट्स स्ट्रक्चर, इट्स नेचर एंड ऑल इट्स ट्रैप एंड टू ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द ट्रैप इट इज फॉल इट फॉल्स इन टू अनदर ट्रैप. अब क्वेश्चन पूछा, एक नया क्वेश्चन आया, फिर नया क्वेश्चन आया, फिर नया क्वेश्चन आया. ये ट्रैप्स को देख पाते हो? वहां से दिखेगा, यहां से नहीं दिखेगा. एंड वॉट डेडली मोनोटनी देर इज इन ऑल दैट. इन सब में कितना मोनोटोनस है. एक नया क्वेश्चन, फिर नया क्वेश्चन, फिर नया क्वेश्चन. मोनोटोनी समझते हैं? बोरिंग, बोर्डम. मोनोटोनस, मोनो मतलब सिंगल, टोन मतलब जैसे कोई एक ही आवाज बार बार आती रहे, जो बोरिंग होती है. इन सब में कितना मोनोटोनस है. अवेयरनेस हैज शोन अस दैट द नेचर ऑफ ट्रैप एंड देयरफॉर देयर इज द निगेशन ऑफ ऑल ट्रैप्स. अवेयरनेस ने दिखाया ये तो ट्रैप है, और जैसे ये ट्रैप को देखा तो उसने ट्रैप को छोड़ दिया. तभी तक तो आप ट्रैप में घुसेंगे जब तक आपको लगता है ये तो बड़ी मजेदार चीज है. आज एक बड़ी, एक और घटना हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट घटना. इसमें भी मुझे लगता है कृष्णमूर्ति ने मुझे बहुत हेल्प किया. अभी तक पूरी नहीं हुई है, कल पूरी होगी. वो अल्ट्रासाउंड हो रहा था आज, परवेज टाइप कर रहे थे, अंजू अल्ट्रासाउंड करा रही थी, मैम उस तरफ बैठी थी. खूब पेशेंट थे, बहुत पेशेंट थे आज. अचानक अंजू गायब हो गई, अल्ट्रासाउंड कराने वाली लड़की. कमोशन मच गया वहां पे. कुछ देर बाद परवेज गायब हो गया. मैंने मालूम किया परवेज कहाँ है. परवेज का बच्चा बीमार तो उसको हॉस्पिटल दिखाने गया. अंजू को खोजने गया, मैं तो देखा अंजू, एक तीसरी लड़की है शिखा, उसको सीटी रूम में लिटा करके उसको ड्रिप लगवा रही थी. कुछ परेशान वेशान हो गई होगी, तो वो बेहोश टाइप की थी. मैंने पानी में छिड़कवाया तो होश में आई. बोलते रो रही थी बेचारी. मैंने पूछा क्या हुआ? फिर वहां पर अंजू थी, मैं भी था, एक संजय नाम का सीटी का टेक्निशियन है वो था, परवेज भी आ गया. तब तक चार लोग थे और पेशेंट वहां पर इतने ज्यादा, मुझे लगा पेशेंट देख ले, यहां पर तो चार लोग हैं, कुछ कर भी नहीं सकते. मैंने कहा भाई ले जाओ डॉक्टर को, दिखाओ इसको. मैं चला गया अल्ट्रासाउंड करने. मैं था और फिर एक और नई लड़की आई है आजकल, रुचि नाम है उसका, तो वो अल्ट्रासाउंड करा रही थी. एकदम नई है, बड़ी मुश्किल से करा रही थी, बट करा रही थी, कर रहे थे हम लोग. पेशेंट बहुत ज्यादा थे बाहर. बार बार मन में आए कि उस बच्ची को हुआ क्या, हुआ क्या. फिर पता चला कि वो हॉस्पिटल चली गई लेकर. चला चलो हॉस्पिटल कोई ना कोई लेकर गया होगा एक बंदा. पता चला उसके साथ शिखा के साथ गई है अंजू, मैनेजर सचिन, सचिन की वाइफ, संजय. इतने लोग क्यों गए होंगे? इतने लोग उसको ठीक तो कर नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं कि बड़ी चिंता है, क्यों गए होंगे? जानना चाहते होंगे हुआ क्या. कुछ कांड हुआ, कुछ कुछ फाइट वाइट टाइप की कोई चीज हुई. मेरा भी दिमाग बार बार जा रहा था, हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या. मजा आता है ना. अभी कल मालूम पड़ेगा क्या हुआ. लेकिन ये सब चीजें फैक्ट नहीं है, सच्चाई नहीं है, ये एंजॉयमेंट है हमारा, मजा आता है इसमें. अवेयरनेस हैज शोन, हमको अवेयरनेस ने दिखाया कि ये सब ट्रैप है, और उसमें से जब ट्रैप को ट्रैप की तरह देखता है. फिर बहुत देर तक मैंने उसको फिर मैंने पूछा नहीं, मुझे लगा कि इसमें बहुत चीजें, बहुत ही क्या हुआ होगा. मैंने दो तीन गेसेस किए. मैंने कहा शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसने उसको छोड़ दिया हो, या तो लड़ाई हो गई हो, या भगवान ना करे कुछ एक्सीडेंट हो गया हो. बिकॉज वो बीमार, ऐसा नहीं लग रही थी बहुत बीमार हो गई है. शी वॉज कॉन्शियस, होश में थी वो. मैंने कहा था सीटी करा दो इसका, या तो ब्लड शुगर करा दो, ब्लड शुगर कम हो जाता है बहुत बार, या तो सोडियम पोटेशियम बहुत बार गड़बड़ हो जाता है. वो सब नहीं बोलती, नहीं उनको नहीं कराना है, और रो रही थी. मुझे लगा कुछ न कुछ है जिसके प्रति इसका रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग है. तो बॉयफ्रेंड का बीमार होना, बॉयफ्रेंड का कुछ खराब, कुछ एक्सीडेंट हो जाना, या घर में किसी को कुछ हो जाना,
और या तो लड़ाई वड़ाई हो जाना, मैनेजर के साथ मैंने सुना था शायद नोकझोंक हुई थी, कुछ हुई थी, बट इन सब चीजों में मुझे क्या इंटरेस्ट, मैंने अपने आप से पूछा इसमें क्या इंटरेस्ट है आशीष तुम्हें, जान के तुम क्या करोगे? जब मैंने इसको पूछा ना जान के क्या करोगे, एक्चुअली आई रियलाइज इट इज जस्ट अ ट्रैप दैट आई वॉन्ट टू एंटर एंड प्ले इन टू इट. सब चार पांच लोग गए थे खेलने के लिए गेम. अरे सर पता है क्या हुआ? अरे पता है शिखा के साथ क्या हुआ? आपको पता है? अरे आपको मालूम है वो हीरोइन उस हीरो के साथ भाग गई? अरे आपको पता है क्या हुआ? वो बिल्डिंग गिर गई. दिस इज यू वॉन्ट टू एंटर इन टू द थिंग ओनली वेन यू डोंट रियलाइज इट इज अ ट्रैप. जब तुम मालूम पड़ जाता है इट इज एम्प्टी ऑफ मी एंड ऑफ द ट्रैप, लेकिन जब जान जाते हैं देन एंड देर देर फोर इट इज द निगेशन ऑफ ऑल ट्रैप्स, सो द माइंड इज नॉट एम्प्टी. दिस माइंड हैज डिफरेंट क्वालिटी, जिसमें जो ट्रैप में नहीं जाता, जो पास्ट वाला नहीं होता, उसकी अलग क्वालिटी होती है. अ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ अवेयरनेस, इसमें अवेयरनेस का एक अलग डायमेंशन होता है. दिस अवेयरनेस इज नॉट अवेयर दैट इट इज अवेयर. ये दिमाग, ये वाला माइंड जिसमें पास नहीं होता, वो इसके प्रति भी अवेयर नहीं होता कि वो अवेयर है. क्वेश्चन है माय गॉड दिस इज टू डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है समझना. यू आर सेइंग थिंग्स दैट सीम्स ट्रू, तुम कहने में तो सही लग रहा है, दैट साउंड्स ट्रू, सुनने में भी सही लग रहा है, बट आई एम नॉट येट देयर, मैं वहां पहुंचा नहीं हूं. कैन यू पुट इट डिफरेंटली, कैन यू पुश मी आउट ऑफ माई ट्रैप, क्या तुम मुझे धक्का मार के मेरे ट्रैप में से निकाल सकते हो? थोड़ा सा और है, एक पैराग्राफ. नोबडी कैन पुश यू आउट ऑफ योर ट्रैप, कोई भी तुम्हें तुम्हारे ट्रैप में से निकाल नहीं सकता. नो गुरु, नो ड्रग्स, नो मंत्रा, नोबडी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, नोबडी स्पेशली माई सेल्फ, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं निकाल सकता तुम्हारे ट्रैप में से. ऑल दैट यू हैव टू डू इज टू बी अवेयर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेकर एंड तक छोड़ो मत, अवेयर रहो. नॉट बिकम इन अटेंटिव इन द मिडल ऑफ इट, बीच में छोड़ मत दो, अवेयर रहो. This new quality of awareness is attention, and in this attention there is no frontier made by me. इसमें खाली attention होता है, इसमें कोई बीच बीच में घुसता नहीं, कोई मैं नहीं घुसता. This attention is the highest form of virtue. यह attention सबसे ज्यादा समझदार चीज है. Therefore it is love, यही प्रेम भी है. इट इज सुप्रीम इंटेलिजेंस, यही सबसे बड़ी इंटेलिजेंस भी है. एंड देयर फोर एंड देयर कैनॉट बी अटेंशन इफ यू आर नॉट सेंसिटिव टू द स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ दीज मैन मेड ट्रैप्स. अगर ये जो आदमी के बनाए हुए ट्रैप्स हैं, अगर उसमें घुसे, उसके प्रति तुम सेंसिटिव नहीं हुए, उससे बचे नहीं, तो इसमें आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे. कैनॉट बी अटेंशन If you are not sensitive towards these man, be sensitive. Don't get yourself involved. इसको जिनोगा में कहा गया ना, ask question, is it for me or no? If it is not for me, then get ahead. इसको पढ़ा गया था 25 जुलाई 2016 को, परसों. कल हम लोग आगे पढ़ेंगे. क्वेश्चन पूछ रहा है, is there a God? क्या भगवान है दुनिया में?